Hello listeners, welcome to the online class of zoology. Today there is the topic in fish biology, and the topic is evolution and phylogeny of fishes, part 5. Part 4 we have already done. In part 4 we have started about the evolution of the bony fishes, and we did evolution of dipnoi. Dipnoians are the lung fishes, and we had studied about it that the lung fishes are the fishes which breathe through gills as well as through the air bladder, and they are considered to be the connecting link between the fishes and the amphibians. And I told you that Dipterus was their ancestor, and the Dipterus had a short body, tail was diaphyseal, scales they were thin, they became thin. Okay, and we studied about the Ceratodus also, which was the fossil form of Mesozoic era. And Dipterus was the fossil dipnoan. And now at present there are three types of lungfishes: Australian lungfish, which is known as Neoceratodus, then Lepidosiren, and then Protopterus. These are the lungfishes which are found at present at these three places. Okay, then I told you about the Crossopterygians also. We read about Crossopterygians. We had started Crossopterygians, and I told you that there are two suborders in Crossopterygian. First is Rhipidistia, and second is Coelacanthany. And the last topic, matlab jab apan ne part 4 किया था तो उसमें रिपिडिस्टिया के बारे में अपन ने बात कर ली थी. अब अपन बात करेंगे कि जो रिपिडिस्टिया थे वो एक्चुअली ऑस्टियोलेपिस उसका एग्जाम्पल था. और एग्जाम्पल में जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उसमें एवोल्यूशनरी लाइन एक थी वो रिपिडिस्टिया की, अब दूसरी जो एवोल्यूशनरी लाइन डिसेंड हुई थी फ्रॉम ऑस्टियोलेपिड्स, वो जो लाइन है वो है Coelacanthany. और जो Coelacanthany को हम क्यों पढ़ेंगे, बिकॉज दे आर रिगार्डेड एज स्पेशलाइज्ड Crossopterygians. अब अगर हम बात करें Coelacanths की, यानी कि Coelacanthany के बारे में बात करें, तो उनमें जो फिशेस थी उनकी जो बॉडी थी वो फ्यूसीफॉर्म थी, और बॉडी वॉज कवर्ड बाय कॉस्मॉइड स्केल्स, और उनके जो पेड फिन्स थे दे वर पिडंक्यूलेट एंड कवर्ड विद स्केल्स. यानी कि जो फिन्स थे, पेडंक्यूलेट का क्या मतलब है कि इनके एक स्टॉक थी और उस स्टॉक पे जो है वो फिन्स लगे हुए थे. देन उनके जो टेल थी वो डायफाई सर्कल टेल थी जिसमें कि तीन लोब्स प्रेजेंट थे. और द लोब फिन्स जो थे दे मे हैव बीन यूज फॉर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन लेग टू अनदर. ठीक है, क्योंकि जो उनके फिन्स हैं देवर दे हैड द सीरीज ऑफ बोन्स, शॉर्ट बोन्स, और उस बोन्स पर फिर वो फिन्स लगे हुए थे. तो दैट मीन्स कि वो जो फिन्स जो थे दे वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और वो इस तरह से उनके जो लोब्ड फिन्स थे दे वर यूज्ड फॉर द लोकोमोशन, यानी कि फॉर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन लेग टू अनदर. देन कुछ जो फॉर्म्स थे Coelacanths के वो ये देखा गया कि वो कहाँ माइग्रेट हुए, समुद्र में माइग्रेट कर गए. और ये इस चीज़ का प्रूफ कहाँ मिलता है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि रोमर जो थे एक जूलॉजिस्ट, उनके एक बुक थी 1969, वहाँ पर ये मेंशन्ड है कि सब फॉर्म्स ऑफ Coelacanths द लेटर हैड माइग्रेटेड इनटू सीज. ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये कैसे उन्होंने कहा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, एंड दैट एविडेंस वॉज द फॉसिल फॉर्म, और वो फॉसिल फॉर्म का नाम क्या था, Coelacanthus. अब Coelacanthus जो है वो फ्रेश वाटर में रहता था. ठीक है, लेकिन जो उंडीना करके जो दूसरी फिश है दैट वॉज फाउंड इन सी. तो दैट शोड अस कि कुछ जो Coelacanths हैं दे वर माइग्रेटेड टू दी सी ऑल्सो. नाउ Coelacanthany वर थॉट टू बी एक्सटिंक्ट अंटिल अ फिश
लैटिमेरिया चालुमने वॉज डिस्कवर्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1930। इसका मतलब ये है कि पहले तो ये माना गया कि जो सीलाकैंथनी की जितनी भी फिशेज हैं वो सारी एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन फिर क्या हुआ 1930 में एक जो फिश है यानी कि जो क्रॉस ऑफ टेरिजियन फिश है वो पाई गई और उसका नाम रखा गया लैटिमेरिया चालुमने। अब नाम क्यों रखा गया लैटिमेरिया? जो जेनरिक नेम था फिश का लैटिमेरिया वो क्यों रखा गया? क्योंकि एक मिस लैटिमर करके एक क्यूरेटर थी म्यूज़ियम की, उन्होंने ये नोटिस में लेके आई थी और जो लैटिमेरिया का जो ये है स्पीशीज़ नेम है चालुमने, ये क्यों हुआ था? ये प्लेस के नेम से था, यानी कि एक कोई प्लेस थी उसके नाम पर इसका जो स्पेसिफिक नेम है या जो स्पीशीज़ का जो नाम है वो रखा गया। तो इस तरह से लैटिमेरिया जब मिल गई तो उसमें जो भी करेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है, वो इस तरह से थे कि वो जो फॉसिल क्रॉस ऑफ टेरिजन जो थी और जो लैटिमेरियन है उस सब के मिलाकर के जो करेक्टरिस्टिक्स थे उस वजह से उसको लिविंग फॉसिल कहा गया। क्यों? क्योंकि इट रिजेंबल्स क्लोजली टू इट्स फॉसिल एंसेस्टर सीलाकैंथस, नंबर वन। नंबर टू, क्या उसके अंदर सारे जितने भी प्रिमिटिव फीचर्स थे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे रिटेन कर गए, ठीक है। तीसरी बात कि इट हैज़ अंडरगॉन वेरी लिटिल चेंज फॉर नियरली 100 मिलियन ईयर्स, ठीक है, यानी कि पिछले 100 मिलियन ईयर्स में जो फिश थी उसके अंदर बहुत कम चेंजेस देखे गए, ठीक है। तो ये तीन बेसिस थे जिसकी वजह से इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है लैटिमेरिया को। ये देखिए आप, इट इज़ क्वाइट क्लियर डायग्राम लैटिमेरिया का। ये आप देख रहे हैं किस तरह से इसकी शेप है और कैसे इसके अंदर डॉर्सल फिन है, पहला, दूसरा डॉर्सल फिन भी है, दोनों तरीके के इसमें पेयर्ड फिन्स हैं, यानी कि पेक्टोरल फिन भी है, पेल्विक फिन भी है, एनल फिन भी है। इधर टेल का आप देखिए, डायफा सर्कल टेल है, ठीक है, नॉस्ट्रल इज ऑल्सो प्रेजेंट, स्केल्स आर कॉस्मॉइड। ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो स्केल्स हैं वो जो है कॉस्मॉइड स्केल पाया जाता है इसके अंदर, है ना। आप स्केल्स, आपको अगर ध्यान हो तो मैं थोड़ा रिवाइज़ करा दूँ आपको कि क्या, एक तो प्लेकॉइड स्केल होता है जो कि कार्टिलेजिनस फिशेज में पाया जाता है और जो बोनी फिशेज होती हैं उसमें कौन सी स्केल्स होती हैं, साइक्लॉइड होता है, कॉस्मॉइड होता है, गेनॉइड होता है। तो इसके अंदर कॉस्मॉइड स्केल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर इसके अंदर जो फैन लाइक फिन रेज हैं, देखिए आप, ये प्रेजेंट है इसके अंदर और ये पेडंक्यूलेट होते हैं, यानी कि स्केल कवर्ड इसके अंदर होते हैं। अब देखिए, लोब फिंड होता है और एक रे फिंड होता है। जो रे फिंड होते हैं वो दूसरी फिशेस में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो ये होती है कार्टिलेजिनस फिशेस, और इस केस के अंदर जैसे डिप्नोन्स हैं, ये इसके अंदर लोब्ड फिन्स जो है वो पाए जाते हैं। तो ये लैटिमेरिया का डायग्राम है और आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा।